नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। जेडीयू के कार्यालय में आज जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा और अनुप्रिया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में आज विस्तार से बताने के लिए आए हैं। आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा और अनुप्रिया। संजीव जी, नरन जी, ये प्रेस रिलीज है भी क्या हम लोग के पास में? तो व्हाट्सएप कर, तो मेल कर देंगे, वर्ड मेल व्हाट्सएप कर देंगे। मान लेते क्या चीज, हाईटेक कंपनी है, क्या चीज कहा व्हाट्सएप का पेपरलेस होना चाहिए, जितना होना चाहिए। ओ आईडी वाला है। हां आलोक जी हैं और इसराइल जी हैं। चलो चलो, आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी मीडिया के साथियों का मैं अभिषेक झा, प्रदेश प्रवक्ता जेडीयू, और मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं सुश्री अनुप्रिया जी, प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड, हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज आप लोगों का कष्ट देने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो यही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों से बातचीत करनी थी और आप लोगों के माध्यम से जनता को अवगत कराना है कि वस्तुस्थिति पूरे देश में क्या है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन का यह नतीजा रहा है कि बिहार में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बहुत सकारात्मक परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोग न सिर्फ इस योजना के विषय में, इनके पहलुओं के विषय में बताएंगे, बल्कि एक तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उन प्रदेशों के साथ तुलना करेंगे जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहने को डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रदेश विभिन्न मानकों में, विभिन्न मदों में हमारे प्रदेश बिहार से पिछड़े हुए हैं। और इसका एक मात्र कारण यही है नीतीश कुमार जी की सोच और सीमित संसाधनों में कैसे प्रदेश को आगे लेकर चलना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से स्वरोजगार को जबरदस्त तरीके से बढ़ावा मिला है। पूरे प्रदेश में रोजगार देने के लिए बिहार की सरकार कृतसंकल्पित है, हमारे मुख्यमंत्री जी और महागठबंधन की सरकार कृतसंकल्पित है। सरकारी नौकरियों के अलावा कैसे रोजगार के अवसर पैदा हो सके, इसके लिए इस योजना को प्रस्तुत किया गया और जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और विस्तृत तुलनात्मक अध्ययन मेरे साथ मेरी साथी प्रवक्ता आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के लिए इस स्वरोजगार योजना की शुरुआत की, और ये देश में अपने आप एक अलग तरह की योजना बिहार में साबित हुई है। इस योजना के तहत पिछले वर्ष 3,050 लोगों को 10 लाख रुपए प्रति लाभार्थी के हिसाब से मिला, और खास बात यह है कि इसमें जो 5 लाख रुपए की राशि है वो अनुदान स्वरूप है, और जो 5 लाख रुपए की राशि है वो एक बहुत आसान किस्तों में, एक लंबी समय अवधि में लोग चुका सकते हैं। इस योजना के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रारंभ हो चुका है, और लगभग 8,000 लोगों तक यह सुविधा पहुंचने की पूरी संभावना इस बार है। तो आप समझ सकते हैं 3,000 से बढ़ाकर हम 8,000 तक इस आंकड़े को लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब ये लगभग तीन गुना का उछाल, बिहार की सरकार देने के लिए तैयार है, और सभी वर्गों के लिए यह स्वरोजगार की योजना शुरू की गई है। और पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री उद्यमी योजना SC ST पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला वर्ग के लिए 2,000 सीटें हैं, तथा सामान्य वर्ग के लिए 1,000 युवा लाभार्थियों के लिए आरक्षित हैं सीटें। इसके अलावा 500 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए भी इस योजना में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां उद्यमी योजना हर वर्ष चयनित लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। अन्य राज्यों में लाभार्थियों की न तो कोई निश्चित संख्या होती है कि कितनी संख्या में उनको हम लाभ दे रहे हैं, ना उनके लिए कोई स्पेसिफिक आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहां तो मैंने आरक्षण के प्रावधान के विषय में आपको बताया है। बिहार सरकार पूरे देश में अकेली ऐसी सरकार है जिसके द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दी जाने वाली 10 लाख की आर्थिक सहायता सीधे राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों के, लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे ट्रांसपेरेंसी है। अन्य प्रदेशों में बिचौलिए होते हैं, एजेंसियां होती हैं जहां भ्रष्टाचार की संभावना और बढ़ जाती है, लेकिन यहां पारदर्शिता के साथ इस योजना को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, असम की सरोठी स्टार्टअप ऋण योजना और हरियाणा की मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकारें थर्ड पार्टी के रूप में बैंकों से लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवा रही है। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस योजना के तहत हर वर्ग के लाभार्थियों को आधी राशि, आप गौर करेंगे कि आधी राशि यानी 5 लाख रुपए का निश्चित अनुदान दिया जा रहा है, मतलब ये जो बोझ है वो उनके कंधों से हटाया जा रहा है, और लाभार्थियों की जो शेष राशि है उसकी वापसी की किस्तें जो हैं वो 84 महीनों की है और महज 5,952 रुपये प्रति माह है। इतनी कम किस्त है जो एक लंबी समय अवधि में वापस की जा सकती है। लेकिन अन्य राज्यों में यदि आप बात करें तो अन्य राज्यों में बैंकों के माध्यम से जब इसको दिया जाता है तो ब्याज की जो दरें हैं वो बेहद ज़्यादा है, 15 से 20% तक की ही अनुदान मिल रहा है और ब्याज की दरें भी बहुत ज़्यादा है। ब्याज की दरों को हमने टेबल में विशेष रूप से अंकित भी किया है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में 25 लाख एवं सेवा के क्षेत्र में महज 10 लाख तक के ऋण है। मध्य प्रदेश में 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के ऋण है। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए 25%, मध्य प्रदेश की सरकार 15%, सामान्य वर्ग के लिए 20%, बीपीएल कार्ड धारकों को के लिए 20%, आसाम की सरकार 5% अनुदान प्रति वर्ष हर तिमाही के पूर्ण होने पर ही देती है। कुल मिलाकर बिहार की सरकार इस आंकड़े को 50% तक छू रही है और अन्य जो प्रदेश की सरकारें हैं जहां दावा किया जाता है कि प्रदेश विकसित हैं, जिन प्रदेशों को केंद्र की सरकार की तरफ से मदद मिलती है, डबल इंजन की सरकार होने का दावा किया जाता है, लेकिन उन प्रदेशों से बेहतर तरीके से बिहार परफॉर्म कर रहा है 50% तक की अनुदान राशि। और विशेष रूप से आपको सुश्री अनुप्रिया जी में जो मेरी साथी प्रवक्ता हैं वो आपको बताएंगी टेबल के भी माध्यम से कि किन मानकों में, किन मदों में बिहार इन अन्य प्रदेशों से बहुत बेहतर है। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जैसा कि आप सभी अभी सुन रहे थे कि हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे और बता रहे थे किस तरह से बिहार और अन्य प्रदेश में जो सरकार है किस तरह की नीति है। हमारी नीति जो होती है काम की होती है और महिला के सशक्तिकरण को लेकर होता है, युवाओं को आगे बढ़ाने को लेकर भी होता है, जिसमें अगर हम गौर करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो चलाई जा रही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है बिहार सरकार की एक ऐसी मात्र योजना है जिसमें 2 किस्तों में मिलने वाले 10-10 लाख रुपए के प्राप्ति के 12वें महीने के बाद वापसी की किस्त शुरू होती है। और साथ ही जब हम महिलाओं की बात करें, महिला अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को इस योजना के तहत ब्याज मुक्त सहायता का प्रावधान होता है, जबकि अन्य राज्यों में इसी राशि को मिलने के साथ ही किस्त लौटाने की जो होती है वे प्रतिबद्धता उनकी बढ़ जाती है, उनका दायित्व वही बढ़ जाता है और उनको कार्य करने के साथ साथ उनकी टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे हमें लोन चुकाना है। लेकिन हमारी बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य जो महिलाओं को लेकर के हैं, युवाओं को लेकर के हैं, वो ऐसी है जहाँ पे उन्हें सशक्त करना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। हम कुछ और मुद्दे पर बात करेंगे जिसमें है कि किसी किसी राज्य में तो स्वरोजगार ऋण योजना पाने के बाद लाभार्थी को अपने खाते में मोटेज राशि जो होती है वो रखना आवश्यक होता है, जबकि बिहार के जो लाभार्थी होते हैं उनसे ऐसी किसी भी तरह की मांग नहीं की जाती। इसके अलावा अन्य राज्यों में ऋण की राशि का खूब मोटा ब्याज लगता है और फिर ब्याज लगाने के अधिकार बैंकों को दी जाती है, जबकि आप अगर किन अलग राज्यों की बात करें जहां पे भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश ने ब्याज तय करने का अधिकार बैंकों को दिया है, जबकि मध्य प्रदेश का, आसाम, हरियाणा ने इस ऋण का क्रम 5-6%, 5%, 7% ब्याज तय किया है। एक तरफ जहां मैं बात कर रही हूं कि युवाओं महिलाओं की, उसमें अगर सामान्य वर्ग के जो युवा होते हैं उनको मात्र 1% का ब्याज होता है बिहार में, तो हमारा जो कार्य होता है ना वो कार्य ऐसा है कि जिसपे लाभ ले सके, ना कि हम ऐसे ही ढुंढुरा पीटते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे और अपने वादे से फिर मुकर जाते हैं। और तुलना जब हम लोग करेंगे दूसरे राज्यों से तो कई ऐसे जो डाटा है जो मैं आपको, हमारे अभिषेक जी ने यहाँ जो बात कही, जो मैं बातें कह रही हूँ वे ऐसे ही हम लोग नहीं कह रहे, ये डाटा है, आप डाटा देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं अपने बिहार को दूसरे राज्यों से। अगर कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं अगर मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करूँ तो जिसमें एक अभिषेक जी ने भी कहा है
कि महिलाओं से लिया जाने वाला जो ब्याज दर होता है, अगर आप उसको देखें तो हमारे बिहार में यह 0% है। उत्तर प्रदेश में बैंक तय करता है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो 6% है, असम में 5% है, हरियाणा में 7% है। फिर बात करें अनुसूचित जनजाति के लिए, बिहार में 0% है, उत्तर प्रदेश में बैंक तय करेगा, 5% आपका मध्य प्रदेश में है, 5% असम में है, हरियाणा में 7% है। फिर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अत्यंत पिछड़े वर्ग से लिया जाने वाला ब्याज दर जो है उसमें भी हमारे यहाँ 0 है। महिलाओं को जो छूट की बात मैं कर रही हूँ उसमें बिहार ब्याज मुक्त सहायता है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5% कैपिटल कॉस्ट है, और मध्य प्रदेश में कोई छूट नहीं है, असम में कोई छूट नहीं है, और हरियाणा में भी कोई छूट नहीं है। तो ये हमारा कार्यशैली है, हमारी सरकार की एक प्रतिबद्धता है। महिलाओं को 50% आरक्षण की बात हम नहीं करते हैं, उन्हें साथ लेके चलने की बात करते हैं, युवाओं को उनकी रोजगार को हक दिलाने की बात करते हैं, युवाओं को एक दिशा देते हैं कि आप अपने प्रदेश में कार्य करें, आप आगे बढ़े, अपने प्रदेश की प्रगति में कार्य करें। धन्यवाद। इसके अलावा यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना अभिषेक झा और अनुप्रिया को क्या कुछ कह रहे थे, प्रदेश प्रवक्ता है, क्या कुछ कह रहे थे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में। दूसरे जो प्रदेश है जहाँ पे भाजपा के और डबल इंजन की जो सरकार है वहाँ पे कैसे, वहाँ पे जो ये कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके, और बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो चलाया जा रहा है, दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के फ़र्क के बारे में विस्तार से बता रहे थे। बिहार में किस रूप से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री किस ढंग से इसके ऊपर खुद लगे हुए काम करने में, उन सब चीज़ों के बारे में ये विस्तारपूर्वक बता रहे थे। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।